So Chaitanya Charitamrita Antyalila describes this pastime of Panihati Chiradoi festival. So this is a very important festival in the life of all the devotees of ISKCON and in the Gauriya Sampradaya. So we will recite and read from Chaitanya Charitamrita. So without wasting any time, let us begin. So this first verse I will read, and then one by one we will continue reading, and we will see how this pastime unfolded in Panihati Dham. Purve Shantipure Raghunath Yave Aila Mahaprabhu Kripakori Tare Shikhaila. When Raghunath Das, during his family life, went to meet Sri Chaitanya Mahaprabhu at Shantipur, the Lord gave him worthy instructions by his causeless mercy. So, jab Raghunath Das Goswami family life mein the, so Raghunath Das Goswami Shantipur mein Bhagwan Chaitanya Mahaprabhu ko meet karne gaye. तो उस टाइम पे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु लॉर्ड गौरांगा उनको बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस दिया उनका कृपा से, कॉजलेस मर्सी से. नेक्स्ट वर्स गुणप्राय प्रभु, कैन यू रीड? ओके. ओ गुरु शिक्षाते तेने निज गृहे जाए मर्कट वैराग्य छारी होइला विषय प्राय प्राय. सो इंस्टेड ऑफ बिकमिंग ए सो कॉल्ड रिनाउंसिएंट, रघुनाथ दास फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन ऑफ द लॉर्ड रिटर्न होम एंड प्लेड एग्जैक्टली लाइक ए पाउंड्स एंड सीलिंग्स मैन. तो यहाँ पे देखिए, जब रघुनाथ दास गोस्वामी भगवान चैतन्य महाप्रभु से मीट करने गए, चैतन्य महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी को बोला कि मर्कट वैराग्य मत दिखाओ, डोंट शो मर्कट वैराग्य. मर्कट वैराग्य मीन्स मंकी लाइक रिनाउंसिएशन. The monkeys externally they are very renounced. They don't have any dress. They remain in the trees. पेड़ में रहता है, कोई ड्रेस नहीं है. Externally दिखता है कि बहुत बड़ा साधु है. But the monkeys are very attached to sex life. Very addicted to sex life. So इस type का monkey like renunciation अच्छा बात नहीं है. तो कोई कोई ऐसा होता है कि कभी कभी मतलब सुनने को मिलता है कभी कभी. जैसे एक जन हमको फोन किया था आज से एक डेढ़ महीना पहले. हाँ, वो बोल रहा है कि हमको ISKCON में ले लीजिए. हम लोग क्यों ISKCON में क्यों आना चाहते हैं? तो नहीं नहीं, मेरा बीवी बहुत तंग कर रहा है, हम ISKCON में आप ले लीजिए मेरे को. तो ऐसे ऐसे मान लीजिए उनका भगवान के प्रति जो अट्रैक्शन डेवलप नहीं किया है, ऐसे आदमी को अगर ISKCON में घुसा लिया जाएगा तो दो दिन रह जाएगा. दो दिन के बाद ही बोलेगा नहीं नहीं, मेरा घर ही अच्छा था, मेरा बीवी बच्चा ही अच्छा था. तब उसको बोला जाएगा कि अरे तुम तो बोले थे बीवी तंग कर रहा है, बच्चा तंग कर रहा है, ISKCON में रख लो. नहीं 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 नहीं, उसके सिवा हम नहीं रह सकते. तो दिस इज लाइक मर्कट वैराग्य. सो देयर बहुत सारे टाइप का वैराग्य होता है. कोई कोई एक टाइप का वैराग्य होता है, उसको बोला जाता है शमशान वैराग्य. कोई कोई शमशान में जाके उसका वैराग्य आ जाता है दो मिनट का. तो बोलता है नहीं नहीं, सब मैं पाप कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ. नहीं नहीं, हम गलत ठीक से जीना चाहिए. फिर से शमशान से वापस आ जाता है, फिर भूल जाता है सब कुछ. इस तरीके का
दो मिनट का रिनन्सिएशन बहुत सारा तरीके से हो सकता है, बट दिस इज नॉट एक्चुअल वैराग्य। तो रघुनाथ दास गोस्वामी का हालांकि सही टाइप का वैराग्य था, ऐसा ऐसा मर्कट वैराग्य उस तरीके का नहीं था, लेकिन स्टिल चैतन्य महाप्रभु सबको इंस्ट्रक्शन देने के लिए रघुनाथ दास गोस्वामी के माध्यम से बोल रहा है कि किसी को मर्कट वैराग्य नहीं दिखाना चाहिए। द वैराग्य शुड बी रियल एंड जेन्युइन रिनन्सिएशन। तो उसके बाद यस मोहित प्रभु, कैन यू रीड दिस, प्लीज रीड नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वर्स। आर यू एबल टू हियर मोहित प्रभु? ओके कौशिक प्रभु, यू रीड प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु। ओके मोहित प्रभु, यस यस, रीड दिस वर्स एंड ट्रांसलेशन। तरे वैराग्य बाहिरे कर सर्व कर्म देखिया ता आत्मता पितृ अनंतित माना। ट्रांसलेशन पढ़िए। रघुनाथ दास वाज इनवर्डली कंप्लीटली रिनाउंस्ड इवन इन फैमिली लाइफ, बट ही डिड नॉट एक्सप्रेस हिज रिनन्सिएशन एक्सटर्नली। इंस्टेड ही एक्टेड जस्ट लाइक एन ऑर्डिनरी बिजनेसमैन। सीइंग दिस हिज फादर एंड मदर वेर सैटिस्फाइड। यस। तो कभी कभी होता है कि देखिए रघुनाथ दास गोस्वामी यहाँ पे भीतर में उनका वैराग्य था लेकिन बाहर में ज्यादा शो ऑफ नहीं करता था। तो भगवान के जो जेन्युइन डिवोटीज है वो ज्यादा शो ऑफ नहीं करता है। तो ऐसा नहीं कि जो बाहर से ही शो ऑफ चल रहा है और भीतर में एक्चुअली मतलब उतना वैराग्य नहीं है, देन इट इज नॉट प्रॉपर। तो रघुनाथ दास गोस्वामी अपना बिजनेस कर रहा था और लेकिन भीतर में भगवान के प्रति अटैचमेंट था। भगवान चैतन्य महाप्रभु के प्रति जब अटैचमेंट रहता है तब दैट इज रियल रिनन्सिएशन, तब भौतिक आसक्ति जो है वो चला जाता है। दैट इज एक्चुअल मेथड ऑफ रिनन्सिएशन, टू डेवलप अट्रैक्शन एंड अटैचमेंट टू द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड। लेकिन वो बिजनेस कर रहा था और मम्मी पापा खुश था इसलिए कि अच्छा ठीक है मेरा बेटा अच्छा बिजनेस भी कर रहा है, हाँ ठीक है भक्ति कर रहा है, ओके नो प्रॉब्लम। तो ये चैतन्य महाप्रभु के इंस्ट्रक्शन से रघुनाथ दास गोस्वामी इस तरीके से उनका जीवन अतिवाहित कर रहे थे। तो ये चैप्टर, ये वर्स 16, वर्स 15 के बाद हम लोग डायरेक्टली चल जाएंगे वर्स नंबर 35। सो 35 से 65 ये टोटल 30 वर्सेस आज को पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद हम लोग इतना तक ही हम लोग आज कवर करेंगे टेक्स्ट नंबर 35। तो इस तरीके से रघुनाथ दास गोस्वामी, तो रघुनाथ दास गोस्वामी का जो पिता का जो इनकम था वो कितना था मैं बता रहा हूँ, वो 20 लाख गोल्ड कॉइन्स मंथली इनकम था। 20 लाख गोल्ड कॉइन्स, कैन यू इमेजिन, स्वर्ण मुद्रा। उस टाइम पे जो मुद्रा होता था वो आजकल का तरीके का नहीं होता था। जो भी करेंसी था उसका रियल वैल्यू रहता था। आजकल का करेंसी क्या है कि एक कागज का पेपर है, कागज का पेपर का रियल वैल्यू नहीं है, लेकिन उस टाइम पे गोल्ड कॉइन्स था, गोल्ड का रियल वैल्यू है। तो 20 लाख गोल्ड कॉइन्स पर मंथ, इतना रिच था उनका पिताजी रघुनाथ दास गोस्वामी का। तो এই মতো রঘুনাথের বৎসরে ক গেলা, দ্বিতীয় বৎসরে পালাইতে মন কইলা। ইন দিস ওয়ে রঘুনাথ দাস পাস্ট ওয়ান ইয়ার এক্স্যাক্টলি লাইক এ ফার্স্ট ক্লাস বিজনেস ম্যানেজার, বাট দ্য নেক্সট ইয়ার হি এগেইন ডিসাইডেড টু লিভ হোম। সো রঘুনাথ দাস গোস্বামী ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভুকে সেবা করার চাহতা থা रिनाउंस्ड ऑर्डर ऑफ लाइफ में, संन्यास लेके भगवान का फुल टाइम सेवा करना चाहता था रघुनाथ दास गोस्वामी। घर में भी रह के सेवा किया जा सकता है भगवान का, लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी वांटेड टू सर्व द लॉर्ड
इन रिनाउंस्ड ऑर्डर, इन संन्यास ऑर्डर. तो एक साल बहुत अच्छे से फर्स्ट क्लास बिजनेस मैनेजर का तरह लाइफ लीड किया, भक्ति भी किया और अपना काम भी किया. तो जल्दबाजी में घर छोड़ने का वैसे मरकट वैराग्य नहीं दिखाया. तो इस तरीके से जब रघुनाथ दास गोस्वामी घर में भक्ति प्रैक्टिस किया, तब उनका हृदय में और ज्यादा चैतन्य महाप्रभु के प्रति अटैचमेंट और ज्यादा बढ़ गया. तो इसके बाद क्या होता है, कौशिक प्रभु प्लीज रीड दिस श्लोक इन ट्रांसलेशन. दूर হইতে পিতা তারে আনিল ধরিয়া. So he got up alone one night and left, but his father caught him in distant place and brought him back. तो एक दिन suddenly रात में उठ गया और घर छोड़ के भाग गया. लेकिन उसके पिताजी का बहुत बड़ा, पिताजी इतना मतलब पावरफुल था, उनका बहुत सारा ये था, मतलब क्या बोलते सिक्योरिटी गार्ड. तो सिक्योरिटी गार्ड को बोला पकड़ के लाओ. तो वो लोग सिक्योरिटी गार्ड पकड़ के लाया, वापस घर पे ला दिया. तो ऐसे रघुनाथ दास गोस्वामी इस तरीके से भागने का कोशिश कर रहा था. यही मौते बारे बारे पालायो धोरी आने, तबे तारो माता कहे तारो पिता सने. Arnav, can you read the translation? Okay, your internet is very slow. Okay. Someone else should read. Your internet is very slow out there in Medinipur. Okay. Astik Prabhu, can you read? Yes. Same. Almost a daily after, Raghunatha would run away from home and his father would again bring him back. Then Raghunatha's mother spoke to his father as follows. Yes, ye daily ho gaya aisa. Daily Raghunatha Das Goswami raat mein bhagne ka koshish karta tha aur pitaji ka security guard unko पकड़ पकड़ के वापस घर में लेके आता था. तो इस तरीके से उनका मम्मी जो है क्या बोल रहा है उसका पिताजी को, अभी देखिए क्या बोल रहा है उसका मम्मी नेक्स्ट वर्स में. Who will read? Yes. Pankaj Prabhu, can you read this? Yes, Prabhu. Yes. পুত্র বতুল্য হাইলা ইহাইর রক্ষা বান্ধিয়া তন্ড পিতা কহে তারে নির্ভিন্ন হানা. আওয়ার সন হ্যাজ বিকাম ম্যাড, সি সেড, জাস্ট কিপ হিম বাই বাইন্ডিং হিম উইথ রোপস. হিজ ফাদার বিং ভেরি আনহ্যাপি রিপ্লাইড টু হার অ্যাজ ফলোজ. তারে পিতা কহে তারে নির্বিন্ন হইয়া পুত্র বাতুল হইল. বাতুল মিন্স ম্যাড হো গিয়া, পুরা একদম দিমাগ পাগলা হো গিয়া হে বেটা কা. হ্যাঁ, এসা বলতা হে না, কোই ভক্ত বন জাতা হে তো ঘর ওয়ালা ক্যা বলতা হে, ইয়ে হামরা বেটা কা দিমাগ পাগল হো গিয়া হে. হ্যাঁ, আমরা বেটা আমারা বেটা কা অভি আমারা বেটা ভক্ত কা বাত শুনতা হে, भक्तों का बात से पूरी जा रहा है, हम लोग का बात का कोई वैल्यू ही नहीं है जिंदगी में. हम लोग माता पिता है. हम लोग को बिना बताए पूरी का टिकट काट लिया. ऐसे सोचता है आजकल का पिता माता है कि नहीं, जब भक्त बन जाता है कोई उसका लड़का. और वो देखिए जब कॉलेज में जाता है, कॉलेज में कितना गड़बड़ संग करता है लड़का. कॉलेज में जाके सीनियर लोग दारू पिला देगा उसको, सिगरेट पकड़ा देगा. पिता माता उस टाइम पे कुछ नहीं चिंता करता है.
अगर चिंता इतना करता तो बहुत लोग इतना लोग शहर में आके दारू और सिगरेट पीना नहीं सीख जाता, दारू सिगरेट इंडस्ट्री बंद हो जाता तब। यूथ लोग को इतना अगर कंट्रोल करके रखता पिता माता, उस टाइम पे कुछ खबर नहीं लेता है। बेटा सिनेमा देखने जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ, लेकिन जब भक्त बन गया तब बहुत बड़ा बवाल मच जाता है कि भाई पागल हो गया मेरा बेटा, ये भक्त लोग कौन कौन इस्कॉन का लोग पकड़ा है इसको और ये पागल बना दिया है इसको, एकदम पूरा दिमाग खराब कर दिया है, ब्रेन वॉश कर दिया है इसको, हाँ ऐसे सोचता है। और लड़का भी क्या होता है, लड़का भी जब सिनेमा देखने जाएगा तब मम्मी पापा का याद नहीं आता है, हाँ जब कोई दूसरा चीज करने जाएगा तब मम्मी पापा का याद नहीं आता है, लेकिन भक्त संघ में आओ तो मम्मी पापा का परमिशन लेना होगा, हाँ ये वो दिस दैट, हाँ बहुत सारा चीज ऐसे आ जाता है। तो ये देखिए, ये इनिशियली जो भक्ति में जब कोई आता है तो इस तरीके का ये माया के साथ खेल होता है। इस टाइम पे अगर कोई सटीक तरीके से भक्ति करते रहे तो माया धीरे धीरे उसका जो उसका ऊपर जो प्रभाव है धीरे धीरे खोल देता है, उसके बाद आसान हो जाता है। इनिशियली बहुत सारा ऐसा बहुत माया के साथ फाइटिंग ऐसा चलता है, ये मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में मैं बोला। तो यहाँ पे देखिए चैतन्य चरितामृत में भी सिमिलर बातें बोला गया है, ये भाष बहुत इम्पोर्टेंट है। लेट्स सी हु विल रीड। सुतनु प्रभु कैन यू रीड? Raghunath Das Archon has opulences like Indra, the heavenly king, and his wife is as beautiful as an angel, yet all could not have down his mind. इंद्र सम ऐश्वर्य स्त्री अप्सरा सम, हाँ इतना ऑपुलेंस था रघुनाथ दास गोस्वामी का पिताजी का। रघुनाथ दास गोस्वामी का पिताजी एक्चुअली सारा बंगाल का डिवोटीज का प्रसादम का बहुत बड़ा परसेंटेज स्पॉन्सर करता था। चैतन्य महाप्रभु का जितना भक्त था पूरा बंगाल में, तो उनका जो मतलब रहने खाने का व्यवस्था है या फिर प्रसाद का एक बहुत बड़ा स्पॉन्सरशिप देता था रघुनाथ दास गोस्वामी का पिताजी। ये बहुत ज्यादा धनी आदमी था, लाइक इंद्र, 20 लाख गोल्ड कॉइन्स पर मंथ, दैट मींस इट इज आज का दिन में जो बिल गेट्स है उससे भी ज्यादा रिच। 500 साल पहले एक गोल्ड कॉइन का कितना कीमत होगा, सोचिए, वन गोल्ड कॉइन 500 साल पहले उसका अभी का कीमत कम से कम 100 करोड़ होगा। तो इमेजिन 20 लाख इंटू 100 करोड़, एंड दिस इज इन वन मंथ, एंड इमेजिन बिल गेट्स उसका आसपास नहीं पहुंच पाएगा। सो इतनी इंद्र का तरह ऑपुलेंस था रघुनाथ दास गोस्वामी का पिताजी का। और उसका वाइफ, हिज वाइफ एज ब्यूटीफुल एज एन एंजल। सोचिए दुनिया में ये दो चीजें बाइंड करके रखता है आदमी को, वन इज वुमेन एंड अनदर इज मनी। दीज टू थिंग्स एक्चुअली बाइंड ए पीपल इन दिस, बाइंड ए सोल इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। ये दोनों का अगर कोई छोड़ दिया तो सोचिए और दूसरा कोई बंधन इसको बांध नहीं पाएगा। तो एक महाराज बोल रहे थे कि देखिए वही अगर कोई बाबाजी बन गया, वही बाबाजी बन गया और वो कैसे, अभी तो सिर्फ इस्कॉन में ही तो सिर्फ इस्कॉन का कितना लोग सन्यासी बनते हैं, सोचिए इस्कॉन में 2% ब्रह्मचारी सन्यासी है, 98% तो गृहस्थ है। तो अभी इस्कॉन के बाहर भी बहुत लोग बाबाजी बन जाते हैं, एक टाइप का सन्यासी बन जाता है,
उसके बाद मतलब घर छोड़ के सन्यासी बन जाता है इस टाइप का। इस्कॉन का ब्रह्मचारी लोग फिर भी तो घर जाता है। अब बाहर से बाहर का ऑर्गेनाइजेशन का बहुत सारे सन्यासी लोग क्या करता है, तो घर बार छोड़ देता है। तो देखिए उन लोगों को खाने का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। आप देखिएगा धाम में जाइएगा, हाँ कितने बाबा जी लोग बीड़ी फूक रहा है, गांजा फूक रहा है, हाँ लेकिन उन लोगों को खाना मिल जाता है। तो महाराज बोल रहे थे कि कोई अगर दो चीज छोड़ दिया, वुमेन एंड मनी, पैसा छोड़ दिया और वुमेन छोड़ दिया, तो उसको खाने का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। भले ही वो भगवान का भक्ति ना करे, गांजा टाने बीड़ी टाने, फिर भी वो लोग खाना मिल जाता है, हाँ क्योंकि वो दो चीज छोड़ दिया है। हाँ तो खाने का कोई प्रॉब्लम नहीं होता अगर ये दो चीज कोई छोड़ देता है। तो ये दो चीज बहुत ज्यादा बाइंड करके रखता है एक आत्मा को इस मेटेरियल वर्ल्ड में, बहुत मतलब स्ट्रॉन्गली बाइंड करके रखता है। सो नेक्स्ट वर्स विल रीड, यस अनिकेत प्रभु कैन यू रीड द नेक्स्ट वर्स। यस দোদিরো বর্তনে তরে রাখিবা কে মতে জন্ম দাতা পিতা নারে পরব্ধ খণ্ডাইতে। ট্রান্সলেশন, হাউ দেন কুড উই কিপ দিস বয় হোম বাই বাইন্ডিং হিম উইথ রোপস, ইট ইজ নট পসিবল ইভেন ফর ওয়ানস ফাদার টু নালিফাই দ্য রিয়াকশনস অফ ওয়ানস ফার্স্ট অ্যাক্টিভিটিস। জিসকো ইন্দ্র সম ঐশ্বর্য অর अप्सरा के तरह स्त्री, कौन नहीं अटैच्ड होगा अप्सरा के तरह स्त्री का तरह प्रति, बोलिए। तो वो चीज जिसको बाइंड नहीं कर पाया तो ऑर्डिनरी रोप उसको क्या बाइंड करेगा। ऑर्डिनरी रोप से बाइंड करके रखना तो बेकार है। तो उसका पिताजी डिसाइड कर लिया था कि उसको रोप से बांध के रखेगा, रस्सी से बांध के रखेगा घर पे। तो उसका माता ये बोल रहा है कि कैसे वो रोप क्या काम करेगा, बोलिए। इट इज नॉट पॉसिबल इवन फॉर वंस फादर टू नलिफाई द रिएक्शंस ऑफ वंस पास्ट एक्टिविटीज। देखिए प्रारब्ध, प्रारब्ध मींस जो प्रारब्ध खंडिते, जन्मदाता पिता नारे प्रारब्ध खंडिते, इसका मतलब है जो प्रारब्ध है, जो पिछले जन्म का जो पाप किया है उसका जो रिएक्शन उसको इस जन्म में भोगना है ना, वो पिताजी भी चेंज नहीं कर सकता है, पिता माता उसको चेंज नहीं कर सकता है, उसको सिर्फ गुरु और कृष्णा चेंज कर सकता है, अदरवाइज नोबडी कैन चेंज प्रारब्ध। तो उसका माता ये समझा रहा है पिता को कि जो उसका लिखा हुआ है एक्टिव, जो पास्ट रिएक्शन, उसको आप चेंज नहीं कर पाइएगा, बेकार का कोशिश आप छोड़ दीजिए। चैतन्य चंद्रेरो कृपा होया छे इहारे, चैतन्य चंद्रेरो बाटुलो বাতুলো কে রাখিতে পারে। Yes, who will read? Shantanu Prabhu, is he there? Yes. Shantanu Prabhu, can you read? Hare Krishna. Okay. And who will read? Gaurav. Gaurav, can you read? Hare Krishna Prabhu. Yes, yes, translation. Okay. Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu has fully bestowed his mercy on him. Who can keep home such a madman of Chaitanya Chandra? Chaitanya Chandra, yes. तो भगवान चैतन्य महाप्रभु जिसका ऊपर कृपा कर दिया है, वैसे व्यक्ति को कौन बांध के रख सकेगा। ये उनका रघुनाथ दास गोस्वामी का माँ ये बता रहा है उसका पिताजी को। तो चैतन्य महाप्रभु का कृपा हो गया तो क्या बन जाता है, ए मैड मैन ऑफ चैतन्य चंद्र। सोचेगा अरे मैड बन जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, तो
इतना जल्दी मैड नहीं बनना है. सो दिस मैडनेस इज नॉट लाइक द मैडनेस दैट वी सी इन दिस वर्ल्ड. इस दुनिया का मैडनेस जैसा ये मैडनेस नहीं है. सो दिस मैडनेस इज ऑल ऑस्पिशियस. ये परम मैडनेस है, परम शुभ ये पागलपन है जो आत्मा को भगवत धाम पे लेके जाता है. तो इसको ये लेवल बहुत हाई लेवल है. वी हैव नॉट बिकम मैड फॉर लॉर्ड चैतन्य. सम द सौजियस वो लोग बोलता है कि हम तो भगवान चैतन्य महाप्रभु का प्रेम पा गए हैं. वो लोग दिखाता है, आंख से आंसू निकलता है कीर्तन में. हाँ, लेकिन जब कीर्तन खत्म होता है फिर से वो लोग बीड़ी गांजा और फिर इलिसिट सेक्स उसमें फिर से जुड़ जाता है. सो एक्चुअली वी आर राइट नाउ मैड आफ्टर मेटेरियल थिंग्स. वी हैव 0%, एब्सोल्युटली 0% यू नो अट्रैक्शन टुवर्ड्स लॉर्ड चैतन्यस लोटस फीट. सो एटलीस्ट आई कैन से अबाउट माई सेल्फ. यू ऑल आर वेरी एग्जॉल्टेड. So this madness is the highest perfection of human life. Tobe Raghunatha kichu bicharila mone Nityananda Gosair pasha cholila aro dine. Yes, Meenakshi Mataji, can you read this one? Translation. Hare Krishna. Hare Krishna Prabhuji. Yes, translation. Can you do? Okay. Actually, I have a high problem. From okay, here, okay, 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 okay. No problem. No problem. Okay, okay. Aniketu read. Priya Mataji, can you read this translation? Yes, Prabhuji. Thank you, Krishna. Then Raghunath Das considered something in his mind, and the next day he went to Nityananda Goswami. Yes. Then Raghunath Das Goswami considered something. Raghunath Das Goswami socha ki Nityananda Prabhu ka kripa ke bina nahi hoga. Kripa nahi milega Chaitanya Mahaprabhu ka. ऐसे कृपा नहीं मिलेगा. पानीहाटी ग्रामे पाइला प्रभुर दर्शन कीर्तनिया सेवक संगे आरो बहु जन. अर्पण, कैन यू रीड द ट्रांसलेशन? ओके, सुनील प्रभु, please read the translation. Sunil Prabhu, am I audible? Tarun, Hare Krishna, am I audible? Hare Krishna Prabhuji. Yes, Hare Krishna. Hare Krishna Prabhuji. In the village of Panihati, Raghunatha Das obtained an interview with the Nityananda Prabhu, who was accompanied by the many Kirtana performers, servant and others. Panihati village mein Raghunatha Das Goswami pahuncha, jahan pe Nityananda Prabhu aaya hua tha. Toh चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को ऑर्डर दिया कि पानीहाटी में बंगाल में प्रीचिंग करने के लिए ऑर्डर दिया. ये चैतन्य महाप्रभु स्वयं नित्यानंद प्रभु को ये ऑर्डर दिया. तो नित्यानंद प्रभु सारा बंगाल में घूम घूम के प्रचार करते थे. और जब पानीहाटी पहुंचा उस टाइम पे रघुनाथ दास गोस्वामी को अपॉर्चुनिटी मिला नित्यानंद प्रभु से मीट करने का, इंटरव्यू करने का.
गंगा तीरे वृक्ष मूले पिंडार उपरे बसी आछे ना येन कोटि सूर्योदय करे। प्रेम प्रकाश प्रभु, कैन यू रीड द ट्रांसलेशन? Sitting on the rock under a tree on the bank of Ganges, Lord Nityananda seemed as effulgent as hundreds of thousands of rising suns. Yes. Who is Lord Nityananda Prabhu? Nityananda Prabhu Swayam Balaram Ji hai. The first expansion of Lord Krishna is non-different from Lord Krishna. So, Nityananda Prabhu गंगा का तट में जहां पे बैठे थे तो उनको देख के thousands of he was as bright as thousands of suns, as effulgent as hundreds and thousands of rising suns. So तो Nityananda Prabhu को देख के सब उनके प्रति attracted हो रहा था। तो गंगा के तट में बैठे थे नित्यानंद प्रभु, पेड़ के नीचे, अभी भी वो जगह है पानीहाटी में। आज मतलब पानीहाटी चिरादोई फेस्टिवल का दिन बहुत भीड़ होता है उधर पे, तो इस बार बहुत ज्यादा भीड़ हुआ आज का दिन में। तो वो जगह अभी भी प्रेजेंट है और बंगाल में लोग ये काफी हद तक जानता है इस जगह के बारे में, पानीहाटी के बारे में, और इसलिए इधर पे आता है, इस दिन पे इधर पे आता है, बहुत संख्या में, लाखों के संख्या में लोग आता है इधर पे। तो हम लोग पानीहाटी गए थे, इधर पे सब भक्त, पता नहीं कितना भक्त पानीहाटी गए हैं, कुछ कुछ भक्त जरूर गए हैं पानीहाटी धाम। तो वो जगह, यस हरे कृष्णा। तो आज के तीन जन मारा गए थे नौखाने। हाँ, यस आई नो दैट, यस आई नो दैट। आज को इतना भीड़ होता है, हर बार बहुत भीड़ होता है, इस बार कोरोना के कारण 2 साल नहीं हुआ, इसलिए लोग और ज्यादा संख्या में आया, और गली बहुत छोटा है उधर पे, तो इसलिए गर्मी भी थोड़ा ज्यादा है। तो मटेरियली सम डिवोटीज लेफ्ट देयर बॉडीज, बट बिकॉज दे लेफ्ट देयर बॉडीज इन पानीहाटी धाम, दे विल गो बैक टू गॉट इट। This is such an in this special day of Panihati Chiradui Mahotsav. It's not an ordinary death. It's a very, very great auspicious death. You have to see the difference in a, you have to sometimes see in spiritual angle also. So means, you know, lakhs of people came, lakhs of people. So unme se 4 logon ka mrityu ho gaya hai. So sometimes media also hypes things more than it is required. ये मीडिया का काम है। तो 4 लोग ऐसे भी मर सकता है, तो लाख लाख लोग आता है, और इतना छोटा गली उधर पे। So it's not very surprising, and the old devotees they died, and maybe Lord Nityananda Prabhu special mercy bestow कर दिया उन लोगों के ऊपर। ऐसे घर पे मरता तो उसे धाम पे आया, और पानीहाटी उत्सव का चीरा दोई खाके, मे बी वी स्पिरिचुअली सीइंग इट कैन बी अ ग्रेट ब्लेसिंग। सो आई सॉ द न्यूज, इट्स नॉट ए लिटिल बिट हाइप्ड न्यूज, आई फेल्ट। सो ओके, गंगारो तीरे वृक्ष मूले, यस दिस वन वी रेड। सो भगवान का जो भी लीला हुआ है ना, सब जगह अभी भी है। चैतन्य चरितामृत में जो चैतन्य महाप्रभु लीला करता है वो अभी भी प्रेजेंट है इस धरती पे, वो जगह पे हम लोग जा सकते हैं। सो चैतन्य महाप्रभु तो 500 साल पहले आया, नित्यानंद और कृष्ण तो 5000 साल पहले आया। कृष्ण का जो लीला हुआ है वो जगह भी आज को प्रेजेंट है, वो जगह भी आज को प्रेजेंट है इस इंडिया में। हम लोग तो कुछ दिन पहले द्वारका घूम के आए, द्वारका में कृष्ण जहाँ पे शरीर छोड़ा था, कृष्ण का तो कृष्ण और उसका शरीर में कोई डिफरेंस नहीं है। कृष्ण जिस जगह से
गोलोक वृंदावन चला गया, वो जगह अभी भी प्रेजेंट है गुजरात में, वो जगह प्रभास क्षेत्र सोमनाथ के नजदीक। कृष्ण को जहां पे तीर मारा था वो हंटर, वो जगह भी प्रेजेंट है। कृष्ण को जहां पे तीर मारा था, तीर लगा था, वो जगह पे कृष्ण इस धरती को नहीं छोड़ा था, उससे थोड़ा डिस्टेंस में, 1-2 किलोमीटर डिस्टेंस आके वहां से इस मेटेरियल वर्ल्ड से स्पिरिचुअल वर्ल्ड चला गया। इसके लिए इसके तरीके से हम लोग समझ सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि दूसरा कोई, इट्स नॉट अ मेटेरियल डेथ कि मेटेरियल डेथ होगा जहां पे तीर लगा है वहीं पे मर जाता है, चिल्लाते आओ करके दूसरा जगह पे नहीं जा पाता। कृष्णा चूजेस हिज डिपार्चर। कृष्णा के ऐसे नहीं कि कोई फोर्स कर देगा उनको तीर मार के, डेथ के लिए फोर्स कर देगा उसको, नहीं, कृष्णा चूज करता है कहाँ से छोड़ना है, कहाँ पे आना है, नो वन कैन फोर्स हिम। सो मैं तो चौंक गया कि इतना सारा, मेरा मतलब इंडिया का ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ पे घूमने का मतलब एक्सपीरियंस है तो, और भक्ति में आने के बाद श्रीमद् भागवतम में जो जो लीला हुआ है सब, मैंने इतना प्लेसेस प्रेजेंट है भारत में, लेकिन मीडिया ये सब चीज हाईलाइट नहीं करता है, मीडिया ये सब चीज को छुपा के रखता है ताकि लोगों को ये पता ना चले और वो लोग गॉड कॉन्शियस ना बन जाए। पुराणों का लीला, भागवत का लीला, मैं तो ये कहूंगा कि चैतन्य महाप्रभु का जो लीला 500 साल पहले हुआ है उसका बहुत सारा स्थान अभी विलुप्त है, उसका बहुत सारा स्थान नहीं मिलता है उसका सेम, और कृष्णों का जो लीला हुआ है उसका ज्यादातर स्थान प्रेजेंट है। कुछ कुछ प्रोमिनेंट चैतन्य महाप्रभु का लीला का स्थान अभी पता नहीं है, लेकिन कृष्णों का लीला का स्थान पता है एग्जैक्ट, जहाँ पे लोकेशन वहां पे, राम भगवान का लीला का स्थान पता है। तो ये जो लीला का जो स्थान है ना, भगवान की इच्छा से प्रकट होता है वो, कभी कभी मेटेरियलिस्टिक लोग उसको ऑक्यूपाई कर लेते हैं। अभी जो पानीहाटी में जहाँ पे धाम है गंगा का तट में, जहाँ पे नित्यानंद प्रभु बैठा था, वो भगवान का लीला से वो धाम हम लोग देख सकते हैं, लेकिन वही प्रॉपर्टी अगर कोई आदमी खरीद लेगा, वहां पे मॉल बना लेगा, तो हम लोग जा सकते उस जगह पे, नहीं जा पाएंगे। तो इसलिए भगवान का धाम, भगवान का लीला जहाँ पे हुआ था उस जगह को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। नवद्वीप धाम में भगवान जो लीला किया है, बहुत सारा स्थान को मतलब दूसरा मेटेरियलिस्टिक लोग कैप्चर कर लिया है, कोई कोई जगह पे घर बना दिया है, कोई कोई जगह पे मतलब पोल्ट्री फैक्ट्री फार्म बना दिया है। एक तो प्रोमिनेंट लीला का स्थल है जो नवद्वीप धाम में है, वहां पे पोल्ट्री फैक्ट्री बना दिया है कोई मतलब मेटेरियलिस्टिक आदमी। तो इसलिए इस्कॉन का जो गुरु वर्ग है, हिज होलीनेस स्पेशली हिज होलीनेस जयपाद अगर स्वामी गुरु महाराज, उनका जो भक्ति वेदांत चैरिटी ट्रस्ट का लाइफ मेंबर है महाराज, तो उसके माध्यम से ये जो भगवान का लीला का स्थल है वो प्रोटेक्शन किया जाता है। उसको अगर दूसरा लोग लेके उधर पे घर बना देगा, उसको उधर पे पता नहीं कोई मांस काटने का जगह बना देगा, कुछ कर देगा, तो वो जगह में लुप्त हो जाएगा वो। तो इसलिए ये जगह को प्रोटेक्ट करना चाहिए। हम लोग जब पूरी जाएंगे, पूरी में हम लोग देखेंगे कि कितना जगह है चैतन्य महाप्रभु लीला किया है उस जगह पे, इम्पोर्टेंट लीला, बहुत इम्पोर्टेंट लीला वहां पे हुआ है। 24 साल चैतन्य महाप्रभु, 18 साल रहा था पूरी में, सोचिए तो कितना लीला किया था। वो सब जगह प्रोमिनेंट जगह अभी प्रेजेंट है, तो इसलिए वो सब जगह को प्रोटेक्ट करना चाहिए ताकि लोग भविष्य में वहां पे आ पाए। और हम देखा कि भगवान का जो भी लीला स्थली है, कृष्ण का भगवान का लीला जो स्थली है गुजरात में, जो द्वारका है, उसके बाद डिफरेंट जगह पे भगवान लीला किया, वो गवर्नमेंट के द्वारा बहुत अच्छे से प्रोटेक्टेड है और बहुत सुंदर कोई कोई जगह पे पार्क कर दिया है, बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट किया। जहाँ पे कृष्ण जाम्बवान के साथ फाइट किया था वो जगह को इतना सुंदर प्रोटेक्ट किया है गवर्नमेंट ने। तो मैं देख के मतलब हम लोग देख के बहुत चौंक गए कि इतना अच्छा से प्रोटेक्ट किया गया है। सुदामा ब्राह्मण का जहाँ पे घर है वो जगह को एकदम बहुत ही सुंदर तरीके से गवर्नमेंट ने प्रोटेक्ट किया है, पूरा एकदम गार्डन है बहुत अच्छा तरीके से। तो इसीलिए
अभी भी लोग वहां पे जाके एकदम फील कर पाता है वो सेम जगह और उसकी कृपा ले सकता है. एनीवेज कमिंग टू द नेक्स्ट श्लोक ताले उपरे बहु भक्त होना छे वेशित देखी प्रभुर प्रभाव रघुनाथ विस्मित. लॉर्ड नित्यानंद प्रभु का प्रभाव वो प्रभाव देख के रघुनाथ दास गोस्वामी एकदम मतलब एस्टोनिस्ट हो गया, एकदम चौंक गया. उनका सराउंडिंग में पूरा भक्त लोग बैठा हुआ है एंड एवरीवन इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स लॉर्ड नित्यानंद प्रभु इंक्लूडिंग रघुनाथ. सो एस्टोनिस्ट रघुनाथ. नेक्स्ट वर्स यस विल रीड नेक्स्ट वर्स. अनमोल प्रभु कैन यू रीड द नेक्स्ट वर्स. यस दंडवत हना से ही पैदली काटा दूरे सेवका काहे रघुनाथा दंडवत करे. Should I read the translation? Yes, translation. Raghunath Das offered his obeisance by falling prostrate at a distant place, and the servant of Nityananda Prabhu pointed out, "There is Raghunath Das offering you obeisances." So Raghunath Das Goswami, one of our six Goswamis. Bande Rupa Sanatana Raghu Jugo Shri Jeeva Gopalaka. So Raghunath Das Goswami, he is our Prayojan Acharya. We'll hear about all these things once we go to Vrindavan. In details, we'll hear about all their great transcendental activities. So रघुनाथ दास गोस्वामी जब दंडवत किया तो नित्यानंद प्रभु का एक सर्वेंट बोला, अरे देखिए दूर में रघुनाथ आपको दंडवत कर रहा है. सुनी प्रभु कहे चोरा दिली दर्शन आय आय आज ही तोरा कोरिमु दंडन. हियरिंग दिस लॉर्ड नित्यानंद प्रभु सेड यू आर थीफ नाउ यू हैव come to see me, come here, today I shall punish you. Nityan Prabhu bola ki tum chor hai, dur se tum dandavat kar raha hai, you are thief, tum chor hai. Kyu chor bola? Anybody can tell why Nityan Prabhu told Raghunath Das Goswami you are a thief? Why he told? Sudipto, can you tell? Hare Krishna Prabhu. Bujhte parini. Raghunath Das Goswami ke keno chor bolche Nityanand Prabhu? Because he is not facing him. No. We'll see. Prabhu bolaya teho nikote na kore gamono akorshya taro mathe prabhuro dhorila charana. The Lord called him, but Raghunath Das did not go near the Lord. Then the Lord forcibly caught him and placed his lotus feet upon Raghunath Das's head. रघुनाथ दास गोस्वामी नित्यानंद प्रभु के पास जाने के लिए डर रहा था, लेकिन भगवान स्वयं आया, नित्यानंद प्रभु उनको पकड़ा और उनके माथा पे अपना जो लोटस फीट है चरण कमल वो रख दिया. कौतुकी नित्यानंद सहजे दयामय रघुनाथे कहे किछु होया सदय. Sudipto Prabhu, read it. Translation.
Yes, Sudipto. Hare Krishna Prabhu. Translation. Yes, read the translation. Able to see the translation? Sudipto? My screen is not showing the... Screen not showing? No. Okay, yeah, yes. Where is not read? Somoshri Prabhu. Am I able to, you're able to hear? Hare Krishna Prabhu, yes Prabhu. Yes, translation. Lord Nityananda was by nature very merciful and fun. Being merciful, he spoke to Raghunath Das as follows. Nityananda Prabhu was very merciful by nature. And he was very funny also. Nikote na Aisha Bhago Dure Dure Aji Lago Paiachi Dundibo Tomare. You are just like a thief. For instance, for instead of coming near, you stay away at a distance. Now that I have captured you, I shall punish you. Dodhi Chira Bhakshano Koraho Moro Gone Shuni Anandita Hoilo Raghunatho Mone. Make a festival and feed all my associates yogurt and chipped rice. Chira dohi bana ke khilao sab associates ko mera. Raghunath isko sunke bahut anandit ho gaya. To kyu chor kyu bola tab? Yahan pe to Nityananda Prabhu bol raha hai ki tum dur dur se ye kar rahe ho isliye chor ho. Apparently it's like that. लेकिन एक्चुअल कारण है कि रघुनाथ दास गोस्वामी क्यों चोर बोला नित्यानंद प्रभु, क्योंकि रघुनाथ दास गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु को पाने का कोशिश कर रहा था बिना नित्यानंद प्रभु के कृपा के. तो बिना नित्यानंद प्रभु, चैतन्य महाप्रभु किसका प्रॉपर्टी है? नित्यानंद प्रभु का प्रॉपर्टी है. Without the mercy of Lord Nityananda Prabhu, we cannot get Lord Chaitanya Mahaprabhu's mercy. It's not possible. Lord can be accessed. Bhagwan ko hum log pa sakte hain guru ka madhyam se. Koi directly guru ke bina agar Bhagwan ko paane ka koshish karega, to wo ek tarike se chori karne ka saman hai wo. Kyunki Bhagwan kiska property hai? भगवान भक्तों का प्रॉपर्टी है. भगवान खुद अपने आप को उनके पास डायरेक्टली कोई आता है तो एक्सेप्ट नहीं करता है. भक्तों का थ्रू आना पड़ेगा तब भगवान एक्सेप्ट करेगा. डायरेक्टली वी कैन नॉट गेट कृष्णा, वी हैव टू गो थ्रू द गुरु परंपरा. एंड द अल्टीमेट गुरु इज लॉर्ड नित्यानंद प्रभु. ही इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ गुरु तत्व. He's the Adi Guru. Lord Nityananda is Adi Guru. Shankarshan, Lord Balram, Adi Guru. So, koi jo pehle Raghunath Das Goswami kya kar raha tha ki khud bhag raha tha aur Chaitanya Mahaprabhu ke paas jane ka koshish kar raha tha. Apna effort laga raha tha. Raat mein khud matlab nikal ja raha tha. Aur us time pe kaun pakad ke la raha tha? Jo sipahi hai wo sab. तो कोई खुद का एफर्ट से भगवान को पाना ये संभव नहीं है. गुरु का कृपा से भगवान मिलता है और हम लोग गुरु का इंस्ट्रक्शन फॉलो करेंगे. गुरु परंपरा में श्रील प्रभुपाद जो इंस्ट्रक्शन दिया है वो इंस्ट्रक्शन अगर हम लोग फॉलो करेंगे तब हम लोग भगवान को आसानी से हम लोग लाभ कर सकते हैं. अपना मेंटल स्पेकुलेशन लगा के कोई फायदा नहीं होने वाला है. अपना मेंटल स्पेकुलेशन से हम लोग भगवान को कभी नहीं हासिल कर सकते. योगी और बड़े बड़े मतलब विद्वान ऐसे कोशिश करते हैं भगवान को पाने के लिए, बट दे आर नॉट एबल टू गेट कृष्णा इन दैट वे. सो द वे इज बाय डिवोशनल सर्विस अंडर द गाइडेंस ऑफ बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर. शैखो ने निजो लोको पठाइलो ग्रामे
Bhakshya Drabhya Loka Shabo Gramo Hoiti Ani. So, Kaushik Prabhu can read the translation. Raghunath Das immediately sent his own men to village to purchase all kinds of vegetables and bring them back. Next verse translation also you read. Raghunath Das brought chipped rice, yogurt, milk, sweetmeat, sugar, bananas and other eatables and placed them all around. Aajka chira dohi mein sara iskon world mein chira dohi hota hai subah mein. Yahan par bhi iskon Pune mein bhi chira dohi hua tha subah mein. To aaj ke din sab ghar mein chira, chura, dahi, kela, aam, kathal, gur, uske baad korpur, ye sab mix karke bhagwan ko offer karke khana chahiye. तो ये चिरादोई फेस्टिवल पानीहाटी चिरादोई फेस्टिवल सबको घर पे मनाना चाहिए. कुछ कुछ भक्त किए हैं अपना घर में बट मोस्ट ऑफ यू डोंट नो मच. एवरीवन शुड डू नेक्स्ट ईयर. महोत्सव नाम सुनी ब्राह्मण सज्जन आशीते लागिलो लोक असंख्य गणन. विल रीड Aniket Prabhu with the translation. Aniket Prabhu. Not audible. Okay. Mohit Prabhu, you read. Mohit Prabhu, Hare Krishna. Hare Krishna Prabhu. Yes, read the translation. As soon as they heard that a festival was going to be held, all kinds of brahmanas and other gentlemen began to arrive. There were innumerable people. Innumerable people. Next translation. Next verse. Seeing the crowd increasing, Raghunath Das arranged to get more eatables from other villages. He also brought 200 to 400 large amounts of pots. Crowd बढ़ता रहा इतना increase हो गया कि दूसरे गांव से eatables लाना पड़ा Raghunath Das को स्वामी को दूसरे गांव से मंगवाना पड़ा उसको. तो इतना भीड़ था वहां पे इतना भीड़ था लेकिन उस टाइम पे कोई स्टैम्पेड नहीं हुआ था. तो लेकिन सबको मिला, सबको चिरा दोई मिला, कोई मतलब कोई मिस नहीं गया. ही ऑल्सो ऑब्टेन्ड 5 or 7 स्पेशली लार्ज अर्दन पॉट्स एंड इन दिस पॉट्स ए ब्राह्मण बिगेन सोकिंग चिप्ड राइस for the satisfaction of Lord Nityananda. बड़े बड़े आर्दन पॉट्स घड़ा लाया और उसमें चूड़ा को भिजाया जा रहा था, उसको वेट मतलब पानी से उसको भिगोया जा रहा था. एक थानी तब तो दूधे चीरा भिजाया और देखो छानीला दोधी चीनी कोला दिया. इन वन प्लेस चिप राइस वॉज सोक्ड इन हॉट मिल्क और गर्म दूध में उसको फिर उसको डाला जा रहा था. इन लार्ज पॉट्स बड़े बड़े पॉट्स में देन हाफ ऑफ द राइस वाज मिक्स्ड विद योगर्ट. उसमें दही ऐड किया, शुगर ऐड किया और बनाना ऐड किया उसमें. और अर्धेक को घनाभृत दुग्ध देते छानी लो चापा कोला चीनी घृत कर्पूर ताते दिलो. तो The other half was mixed with condensed milk. खीर से मिक्स किया, उसको स्पेशल टाइप ऑफ कोला, चापा कोला, वो मिक्स किया, उसके बाद शुगर दिया, क्लैरिफाइड बटर, घी मिक्स किया, उसका कोरपुर मिक्स किया. तो इस तरीके से उसको बनाया.
Chiradohi festival was happening. After Nityananda Prabhu had changed his cloth for a new one, Nityananda Prabhu naya vastra pehen liya and sat on the raised platform, the Brahmana brought before him the 7 huge pots. To unko unke prasannata ke liye 7 to bade bade huge pots laya aur Nityananda Prabhu ko offer kiya. Brahman jo bana raha tha bhog ko. Chobutaro upore jato prabhuro nijo gane boro boro loko boshilo mondoli rachane. On the platform, all the most important associates of Lord Nityananda Prabhu, Sri Nityananda Prabhu, as well as other important men, sat down in a circle around the Lord. So, Panihati mein Raghav Pandit ka bhi ghar hai. Raghav Pandit is also a great devotee of the Lord. So, Nityananda Prabhu ke jo parshad the, jitne mahan parshad the, unke saath hamesha rehte the aur wo inner circle mein baitha. भगवान के आजू बाजू में और भगवान को मतलब केंद्रित करके रामदास सुंदरानंद दास गदाधर मुरारी कमलाकर सदाशिव पुरंदर दीज आर ऑल द एसोसिएट्स ऑफ द ऑफ लॉर्ड नित्यानंद प्रभु दास गदाधर सुंदरानंद रामदास मुरारी सब बैठे थे एंड दे वर यू नो टेकिंग द this festival, you know, meal. Dhananjaya, Jagadish, Parameshwar Das, they are all close associates. Goridas Pandit, Mahesh Pandit, Hoda Krishna Das, they are all very close associates of the Lord. Dhananjaya Pandit, Jagadish Pandit, Parameshwar Das, they are great devotees. They are all coming from the spiritual world. They are not ordinary men. উদাহরণদত্ত ঠাকুর উদাহরণদত্ত আদি যত নিজ গণ উপরে বসিলা সব কে কারে গণন উদাহরণদত্ত ঠাকুর এন্ড আদার পার্সোনাল অ্যাসোসিয়েটস অফ দ্য লর্ড স্যাট অন দ্য রেস প্ল্যাটফর্ম উইথ নিত্যানন্দ প্রভু নো ওয়ান কুড কাউন্ট দেম অল ইতনা জাদা ভক্ত কা সমাম হুয়া থা উদার কি কোই কাউন্ট নেই কর পায়া তো ইতনা বড়া ফেস্টিভাল হুয়া থা सुनी पंडित भट्टाचार्य जत विप्र आईला मान्य करी प्रभु सवारे उपरे बसाइला हियरिंग अबाउट द फेस्टिवल ऑल काइंड्स ऑफ लर्नेड स्कॉलर्स ब्राह्मणस एंड प्रीस्ट्स वेंट देयर लॉर्ड नित्यानंद प्रभु ऑनर्ड देम एंड मेड देम सिट ऑन द रेस्ट प्लेटफॉर्म विथ हिम तो भगवान सभी ब्राह्मण और लर्नेड स्कॉलर्स प्रीस्ट्स को बहुत रिस्पेक्ट दिया दुई दुई मृत कुंडिका सबारो आगे दिला एके दुग्ध चीरा आरे दोधी चीरा कोइला एवरीवन वाज ऑफर टू अर्देन पॉट्स बड़ा बड़ा अर्देन पॉट्स का दोधी चीरा सबको दिया गया हम लोग तो खा नहीं पाएंगे इतना इतना दोधी चीरा खा नहीं पाएंगे इन वन वाज पुट चिप्ड राइस विद कंडेंस्ड मिल्क खीर के साथ एक तो था और दूसरा में दही के साथ और एक तो था एक तो खीर चीरा और दही चीरा तो ऐसा था बहुत आनंद से सब लिया आड़ जो तो लोक सब चौतरा तलाने मंडली बंधे वशिला तारा ना हो या गनने ऑल द अदर पीपल सैट इन ग्रुप्स अराउंड द प्लेटफॉर्म नो वन कुड काउंट हाउ मेनी पीपल देयर वेयर इतना लोग कोई काउंट नहीं कर पाया Each and every one of them was supplied 2 earthen pots. Ek bhi miss nahi kiya. Lakhs of people. Sabko do do ghada mila. Ek dahi chida, ek to dahi aur condensed milk, kheer.